तीन तलाक पर हुए घमासान के बाद लोकसभा में बिल पास हो गया है। तीन तलाक पर बिल पास होने के दो दिन बाद ही उत्तर प्रदेश के रामपुर से तलाक का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक तलाक बोलकर तलाक दे दिया। वहीं पीड़िता ने थाने पहुंचकर पति समेत पांच पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करने की बात कह रही है। मेरी शादी को एक साल हो गया, मेरे सास ससुर मुझे तंग रखते हैं, तो मेरे सास ससुर मुझसे 5 लाख रुपए एक कार मांगते हैं। मेरे ससुर ने अब से 3 महीने पहले मेरे साथ बलात्कारी का कोशिश की, तो मैंने अजीर नगर थाने में शिकायत कर चुकी थी। तो मेरे पति फखरुद्दीन बाहर काम करते थे, मैंने अपने पति फखरुद्दीन को बतलाया, तो मेरे पति फखरुद्दीन मेरी मम्मी के घर पर छोड़ देते मैं का, तो मुझसे बोले तूने मेरे खिलाफ़ मेरे घर वाले के खिलाफ़ तूने किसी से शिकायत की तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा। अब मैं अपने बच्चे को लेकर अपने ससुराल गई 26 तारीख को, तो मेरे सास ससुर ने मुझे धक्के मारे घर से बाहर निकाल दिया। तो मेरे पति का फ़ोन आया, मैंने अपने पति से फखरुद्दीन से शिकायत की, तो मेरे पति ने मुझे फ़ोन पे तलाक दे दी तीन बार तलाक दे दी। तो आपने के ससुर ने आपके साथ जब दुष्कर्म करने की कोशिश की, आपने शिकायत नहीं करी? मैंने करी अपने पति से। फिर क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे धमकी दे रखा था, तूने किसी से कुछ कहा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो आपके जी, ये अजीम नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर यह आरोप लगाया है कि उसे 3 बार तलाक बोलकर उसने अपना संबंध विच्छेद किया है। पुलिस को प्रार्थना पत्र मिल चुका है और पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है।